कहते हैं हेल्थ इज द रियल वेल्थ, स्वास्थ्य है वो असल में असली आपकी, जी है आपकी असली समृद्धि है, आपकी वास्तविक प्रॉस्पेरिटी है। और जो अच्छी डाइट होती है, जो बैलेंस्ड डाइट होती है, उससे कहा जाता है कि वो सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर आपको अपनी हेल्थ की बहुत फिक्र है तो अच्छा खान पान लीजिए, और अगर आपको आपकी हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि लंबे समय तक लोगों को जब वो एक शहर के बाहर काम करने जाते हैं तो ये भी ढूंढते हैं कि कहीं घर का जैसा बना खाना कहीं मिल जाए, और अगर ऐसा खाना आपको रेस्टोरेंट में मिल जाए जो वास्तव में हेल्दी भी हो, जिसमें न सिर्फ खाना पकाने में जो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है वो इंग्रेडिएंट्स न सिर्फ हेल्दी है बल्कि जिन बर्तनों में पकाया जा रहा है वो भी बहुत ही हेल्दी है, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं, और जो पानी आप पी रहे हैं वो भी अगर ऐसा हो कि ऐसे बर्तन में रखा गया जिससे उसके पोषक तत्व बढ़ जाए तो बात ही क्या है। तो आइए आज चर्चा करते हैं खिचड़ी द ग्लोबल फूड पर। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं खिचड़ी द ग्लोबल फूड रेस्टोरेंट के फाउंडर जितेंद्र शाह जी। बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार। तो जितेंद्र जी, आपने कब इस रेस्टोरेंट का वो शुरू करने का आपके दिमाग में ख्याल आया, जो ये खिचड़ी द ग्लोबल फूड है इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, कब खिचड़ी ग्लोबल फूड बन गई है हमें बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं 35 इयर्स से टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं, और हमारी हिना टूर्स एंड ट्रैवल्स जो कंपनी है वो मेन फूड के लिए जानी जाती है वेजिटेरियन कम्युनिटी में, और हम लोग जो है वो हमारे खुद के शेफ लेके ग्रुप टूर चलाते हैं, वो पूरे वेजिटेरियन कम्युनिटी में फेमस है हम लोग। तो बहुत सालों से मेरे दिल में इच्छा थी कि कोई ऐसा नया कॉन्सेप्ट दे लोगों को कि भाई जिससे हेल्थ भी बनी रहे और कुछ नया मिले लोगों को। बहुत सालों की मेरी इच्छा थी भाई, कुछ नया करने की इच्छा थी, तो ये कॉन्सेप्ट पे मैंने वर्क किया, और ऐसा कॉन्सेप्ट देने का इरादा था कि जिसमें सर्विस से लेके पकाने की स्टाइल से लेके फर्नीचर से लेके कुछ भी जो हर जगह पे न मिलो, अनकॉमन हो, मतलब कॉमन ना हो जी, तो वो चीज को हमने थोड़ा प्रमोट किया। और 2 साल पहले हमने खिचड़ी द ग्लोबल फूड करके चेन ऑफ रेस्टोरेंट का सोचा, पहले मुंबई में एक छोटी सी जगह में चालू किया, तो 2 साल के अंदर हमने 5 रेस्टोरेंट महाराष्ट्र में खड़े कर दिए, मुंबई में 4, एक नासिक में है। तो ये रेस्टोरेंट की मेन हमारी खासियत ये है, हमने जब भी नाम रखा था खिचड़ी खिचड़ी, तभी उसके साथ द ग्लोबल फूड लगा दिया। खिचड़ी एक्चुअली गरीब आइटम है, वो जो घर में कुछ पकाना नहीं है या तो कुछ बीमार लोग है उसके लिए खिचड़ी बनी जाती है। तो हमने सोचा कि भाई खिचड़ी को अमीर बनाए और खिचड़ी को कुछ नए तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करें। तो हमने पूरा सर्वे किया 6 महीने तक खिचड़ी के लिए, तो खिचड़ी को अमीर बनाने के लिए कुछ नया सोचा हमने। तो ये चीज पे हमने वर्किंग करते करते हमको लगा कि भाई खिचड़ी ओरिजिनल जो पहले आज से 50 साल पहले बनती थी, कोई भी खाना खिचड़ी से लेके कोई भी खाना वो मिट्टी के बर्तन में बनता था। तो हमने उसकी छानबीन की, और महाराष्ट्र में और राजस्थान में और गुजरात में सब जगह पे छोटी छोटी जगह पे हमने जाके सर्वे किया कहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। तो उसका सर्वे करते करते हमें अच्छी कोई बर्तन 6-7 साल के बाद मिले जिससे हमें लोगों को पका के देना है, क्योंकि ये सब पकाने की स्टाइल ही मेन बेसिक होती है। हम लोग जब भी हेल्दी बोलते हैं खाना, तो उसका मतलब आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने खास मिट्टी के बर्तन को क्यों ही चूज किया, और मिट्टी के बर्तन तो कहीं भी मिल जाते हैं आपको, बॉम्बे में भी मिल जाते होंगे या और कहीं भी मिल जाते होंगे, लेकिन एक खास जगह को आपने क्यों चूज किया, कि आपको ऐसा लगा कि हर जगह के मिट्टी के बर्तन में वो क्वालिटी नहीं होती, ऐसा भी है क्या? हाँ, 100% मिट्टी में भी फर्क होता है जी। सब मिट्टियों में खाना पकाने की ताकत नहीं होती, अगर ताकत भी होती है तो 1-2-4-5 दिन में वो मिट्टी के बर्तन टूट जाते हैं, वो सब जगह पे ये पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें सर्वे करने के बाद ही ये सब मिला है मतलब। तो फिर हमने जब ये खिचड़ी के लिए सोचा, तो पहले तो ये मजाक का सब्जेक्ट बन गया, हंसने लगे लोग के भाई खिचड़ी नाम थोड़ी होता है कभी रेस्टोरेंट का नाम तो कोई विदेशी होता है या तो कोई अच्छी लोगों को जीवन में आ जाए ऐसा। मगर 2 साल के अंदर लोगों ने इतना उसको सराहा, उसकी क्वालिटी से लेके प्राइसिंग से लेके वैल्यू फॉर मनी,
और हेल्दी फूड। हेल्दी फूड किसको बोलते हैं लोगों को पता ही नहीं है। कोई भी आइटम हो गई उसके ऊपर काकड़ी टमाटर लगा दिया तो हेल्दी नहीं बन जाता। हेल्दी पकाने की स्टाइल से होता है, पकाने की स्टाइल से हेल्दी होता है। हाँ जी जी। तो अब ऐसा वक्त है जब हम हेल्थ पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, वो सारी चीजें जो हमें अट्रैक्ट करती थी टेस्ट को लेके, अब हम शायद उनको लेके थोड़े सतर्क हो गए। हम ये देख रहे हैं कि क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आज हर की दुनिया में हर इंसान ये देख रहा है कि मेरे शरीर में अगर कोई चीज जा रही है तो मैं सबसे पहले देखूंगी वो मेरे शरीर को किस तरह से ताकत देगी, किस तरह से उसे और स्वस्थ बनाएगी और हेल्दी बनाएगी, ताकि वो किसी भी तरह की जो बीमारी है उससे लड़ने में वो सशक्त हो, ताकतवर हो। तो जब आपको घर में इसके लिए घर का खाना कहा जाता है कि घर का खाना खाइए, लेकिन आपने उस खाने को रेस्टोरेंट में ले जाकर भी हेल्दी बना दिया और उसमें हर चीज को जो पॉसिबल थी उसे ऐड किया, तो एक तरह से खिचड़ी को ग्लोबल बनाना मतलब इतना आसान नहीं था। आप विदेशों में भी अपने रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं, तो क्या आपको लगा कि विदेशी रेस्टोरेंट में जो लोग आ रहे थे वो उसको उतना ही पसंद कर रहे हैं जितना कि इंडियन पसंद कर रहे हैं? नहीं नहीं, हमने तो देखा इंडियन में पहले हमको डर लगता था कि यंगस्टर लोग आएंगे नहीं और ओल्ड एज के लोग आएंगे, ऐसा हमको लग रहा था। मगर जब भी हमने चालू किया तो डे बाय डे यंगस्टर लोगों की ज़्यादा काम हो गई। उल्टा यंगस्टर उसके फादर मदर को बोलते थे कि भाई यहाँ कोई नया रेस्टोरेंट हुआ है, चलो हम मिलके जाते हैं। तीन तीन चार चार जनरेशन के लोग हमारे यहाँ एक ही टेबल पर बैठ के खाना खाते थे। और हमारे यहाँ हमारा जो एरिया है विले पार्ला एरिया, वहाँ पे सब जू एरिया बोला जाता है यहाँ में, वहाँ पे सब फाइव स्टार फोर स्टार होटल है, वो शॉपिंग एरिया बहुत बड़ा है। तो हमने सब लोगों को वहाँ पे बोल के रखा था। तो फॉरेनर्स और एनआरआई की हमारे यहाँ लिटरली लाइन लगती थी। उन लोगों ने कभी ऐसा खाना और ऐसी सर्विस देखा नहीं कि मिट्टी के बर्तन में बनता हो, उसको पत्तल में खाना हो, ग्लास भी मिट्टी का होता है, बोतल भी मिट्टी की होती है, बैठने की स्टाइल भी कुछ हमने अलग से रखी है, जैसे नॉर्मल टेबल नहीं है। वो सब लेके ये लोग फॉरेनर्स लोगों ने तो बहुत सराहाया उसको, एनआरआई लोगों ने भी बहुत सराहाया जी। तो फॉरेनर्स आपकी हम विजुअल्स में देख रहे हैं कि किस तरह से फॉरेनर्स भी बड़े ग्रुप में आकर आपके रेस्टोरेंट में एंजॉय कर रहे हैं, उस खाने को खिचड़ी खा रहे हैं। आपके यहाँ 95 तरह की खिचड़ियाँ बनती है? हमने बेसिकली नाम रखा है खिचड़ी, तो हमने 95 प्रकार की खिचड़ियाँ बनती है, मगर उसके साथ सब देसी व्यंजन, बेसिकली राजस्थानी, गुजराती और पंजाबी देसी व्यंजन जो मिट्टी के बर्तन में पका सके वो ही हम लोग सर्व करते हैं लोगों को, जिससे न्यूट्रिशन वैल्यू लोगों को अच्छी से अच्छी सेहत बनी रहे वो हिसाब से जाए जी। तो आपने खास मिट्टी के बर्तन ही चूज किए, मिट्टी के बर्तन में खाना पका रहे और खा रहे या मिट्टी के बर्तन में पानी पीने के बहुत कई फायदे होते हैं, क्यों आपने क्या रिसर्च किया कि क्या क्या फायदे होते हैं कि मिट्टी के बर्तन में खाना पकाया जाए और उन्हीं में खाया जाए और उन्हीं में पानी पिया जाए? हाँ, उससे देखो ये आजकल सच तो ऑन टिप्स हो गया है, फिंगर पे आ गया है सब। पूरा सर्चिंग करके हमने पूरा सर्वे किया और कहाँ पे ये सब चीज होती है, कैसे न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, कैसे सब चीज में कार्बोहाइड्रेट से लेके सब कुछ, कैल्शियम से लेके हर चीजों में हमें लोगों को अच्छी चीज देनी थी, अच्छी सेहत देनी थी, वो इरादे से हमने चालू किया। हमने फिर सोचा कि भाई ये फॉरेन की जो कंपनियां हैं, मैकडोनाल्ड से लेके पिज्जा हट से लेके समझो KFC, डोमिनोज, सबवे, वो अनहेल्दी खाना देके इतना पैसा लेते हैं, तो हमको लगा भाई ये खिचड़ी को हम क्यों अच्छी तरह से प्रमोट ना करें। कि जब ये टाइम ऐसे हो गया था 2 साल पहले 2017 में कि भाई भाजपा सरकार ने भी खिचड़ी को एक अपना राष्ट्रीय फूड घोषित कर दिया था, तो फिर हमने लगा कि भाई चलो ये खिचड़ी के साथ साथ सब देसी व्यंजन भी जरूरी होते हैं। मैंने आपको मेनू कार्ड भेजा हुआ है, तो उसमें बहुत सारी आइटम है, 300 के ऊपर आइटम हमारे यहाँ पकती है जी। जी जी जी। अब अगर आप मिट्टी के बर्तन में खाना पका रहे हैं तो ये भी कहा जाता है कि जाहिर तौर पर उसमें ऑयल कम लगेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है जी, ऐसा तो नहीं है। ऑयल तो जरूरत के हिसाब से लगता ही लगता है, मगर हमारे यहाँ जो भी चीज़ है वो हम प्योर वापरते हैं। ज़्यादातर हमारी खिचड़ी शुद्ध गाय के घी में ही बनती है, हम ऑयल का उपयोग तो बहुत कम करते हैं जो फ्राइड आइटम होती है उसके लिए, अदरवाइज हमारी ज़्यादातर आइटम में शुद्ध घी में ही बनती है। तो आपके जितने भी आपके रेस्टोरेंट में खाना पक रहा है वो शुद्ध घी में ही आप पकाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, 100% हम लोग गाय का घी में ही बनाते हैं सब काम। अच्छा, गाय का घी में बनाते हैं, वो और भी बेहतर है।
तो आप खिचड़ी के अलावा जैसे पिचानवे तरह की खिचड़ी है तो उनमें क्या क्या अलग होता है? घर में तो आप एक बेसिक खिचड़ी बनाते हैं, तो पिचानवे तरह की खिचड़ी आपने कैसे शेफ ने उसको मेन्यू में शामिल किया? किस तरह से इतनी ज्यादा वैरायटी हो गई खिचड़ी की? और क्या हाँ जी, घर में बेसिकली खिचड़ी होती है जनरली एक सादी खिचड़ी होती है, मसाला खिचड़ी होती है, ज्यादा से ज्यादा पालक पनीर होता है, ज्यादा से ज्यादा दो चार प्रकार की आप रेस्टोरेंट में खिचड़ियाँ खाते हो, मगर हमने सब देश में समझो अपना देश में 40 से प्रकार 50 के प्रकार की खिचड़ी तो हमारे देश में बनती है, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत इनोवेट किया, उसके बाद में चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन, सब कोई खिचड़ी में उसका एक अलग से निराला स्वाद दे दिया कि जिसे बेसिक कंटेंट्स जो है वो बना रहे और लोगों को यंगस्टर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए सादी खिचड़ी तो कोई आएगी नहीं, पहले तो लगता था खिचड़ी खिचड़ी करके, मगर एक टाइम आने लगे लोग तो उसको स्वाद देने के लिए हमें अलग अलग प्रकार की खिचड़ियां बनानी पड़ी। जी, तो आप खिचड़ी भी बनाते हैं साथ में कई तरह के और भी पकवान आपके रेस्टोरेंट में मिलते हैं, और उसमें क्या गुजराती और राजस्थानी खाना ही मेन है? मेन गुजराती राजस्थानी है और पंजाबी है, पंजाबी थोड़ा कम है मगर गुजराती राजस्थानी ज्यादा है। जी, तो आपने जैसे बताया कि गुजरात में भी है आपके रेस्टोरेंट्स और महाराष्ट्र में भी? तो अभी तो नहीं है, अभी खाली महाराष्ट्र में है, मगर हम फ्रेंचाइजी मॉडल पे जा रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट हमें पूरी दुनिया तक फैलाना है, हेल्दी कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैलाना है, तो हमारा हेल्दी मिशन में जिसको भी जुड़ना है हमारा संपर्क कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल पे हम काम करना चाहते हैं आगे भविष्य में, और अभी जाके अमेरिका और पोलैंड में भी हमारी बात चल रही थी तो अभी भी वो कंटिन्यू है, तो उसके हिसाब से भी हम वहां पे भी जाएंगे। तो अमेरिका में भी और वॉर्सो में भी आप रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं और विदेशों में भी आप चाहते हैं कि जो भारतीय व्यंजन है उसका, उन पकवानों का स्वाद जो है दुनिया भर में लोग चखें। इसके अलावा एक रेस्टोरेंट में जो डिजर्ट होता है वो एक हमेशा खाया जाता है खाने के बाद, तो किस तरह के आपने गुजराती और राजस्थानी जो डेलिकेसीज हैं वो इंट्रोड्यूस की हैं? हाँ, हमारे डेजर्ट सब देसी डेजर्ट होते हैं, ज्यादातर गुड़ से ही बनते हैं, हम लोग शुगर का इस्तेमाल नहीं करते, हमारे रेस्टोरेंट में शुगर का इस्तेमाल नहीं होता है, मैदे का इस्तेमाल नहीं होता है, कुकर, ओवन, फिर कोई भी प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स, एल्यूमिनियम के बर्तन हमारे यहाँ कुछ नहीं मिलेंगे आपको। हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स में जो देते हैं जनरली उसमें भी तो हम आम का पन्ना देते हैं, समझो सीजनल हो गया तो नींबू पानी हो गया, छाछ लस्सी हो गई, कोकम शरबत हो गया, मतलब हमारे यहाँ ये सब कोल्ड ड्रिंक्स, हम लोग दूसरा कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं रखते जी। जी, तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सारी जो हेल्दी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने अपने रेस्टोरेंट में शामिल कर ली हैं, चाहे वो कुकिंग की बात हो, चाहे वो बर्तनों की बात हो, चाहे आप बता रहे हैं कि आप किसी भी तरह के ये ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स इस्तेमाल नहीं करते, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता, गाय के शुद्ध घी में खाना पकता है, साथ ही आप बता रहे हैं कि कोई कोल्ड ड्रिंक्स नहीं सर्व किया जाता, अल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं होता, जो भी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं उसको अपने रेस्टोरेंट से बाहर रखा है आपने, चाहे वो खाना पकाने की बात हो, चाहे बर्तनों की बात हो, चाहे खाने में जो भी आप डाल रहे हैं इंग्रेडिएंट्स हो उसकी बात हो, तो एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट आपने इंट्रोड्यूस किया, खासतौर पर मुंबई जैसे शहर में जहाँ दूसरे शहरों से बहुत लोग आते हैं नौकरी करने के लिए, और बहुत लोग हैं जिनको घर का खाना नहीं मिलता या जॉब कर रहे हैं तो खुद नहीं वो उसको पका सकते, तो जाहिर तौर पर इस तरह की यंग पॉपुलेशन और जो लोग वर्किंग है और अकेले शहर में आके रह रहे हैं, इस तरह के लोग काफी आते हैं? नहीं नहीं, यंगस्टर से लेके जो आजू बाजू में कॉर्पोरेट एरिया है वहां से लेके हर कोई आते हैं, और हमारे यहाँ सेलिब्रिटी उसकी तो लाइन लगती थी, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए हैं कि जो उसके हिसाब से भी हमें बहुत अच्छी एक प्रमोशन मिल गई थी, मतलब ये लोग आते हैं तो एक टाइम हमारे यहाँ एक सिस्टम थी, एक टाइम लोग आए तो दोबारा आना ही पड़ेगा, ऐसी एक सिस्टम बना दी थी, ऐसा एक स्वाद बना दिया था लोगों को हमने। जी जी हाँ जी, तो एक अलग आपने फूड कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया अपने रेस्टोरेंट के जरिए, भारतीयता का जो एक टच है वो अपने रेस्टोरेंट को दिया, असली भारत क्या है वो आपने विदेशियों को भी ये दिखाया अपने रेस्टोरेंट के जरिए, और विदेशों में भी आप इस जो आपका रेस्टोरेंट है उसको लेकर जा रहे हैं। तो जितेंद्र शाह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की और इतनी जो खास एक अलग तरह की आप कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हेल्दी फूड जिसकी अब हर जगह बात हो रही है, और बाहर का खाना जिसे कहा जाता है कि उसके लिए वो सिर्फ टेस्ट के लिए होता है, ऐसा आपने नहीं किया, आपने कहा कि टेस्ट भी और स्वास्थ्य भी दोनों को आप साथ लेकर आए,
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और हम हमारी शुभकामनाएं कि आपका जो ये खिचड़ी द ग्लोबल फूड ये दुनिया भर में जाए और भारतीय व्यंजनों का स्वाद जो है वो दुनिया भर के लोग चखें। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर में जाने के लिए हम एसटीयू का सपोर्ट मांगेंगे और हमारा फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में हमें हेल्प करें जी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू।